गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले बता दूं गाइस, जो क्रिस्टल 13 आर्टिकल का जो गिव अवे किया था ना मैंने, उसका नाम है कांग्रेचुलेशन टू मेहुल पटेल, जिसने एकदम कंसाइज आंसर दिया। भाई देखो, आंसर काफी लोगों ने दिया था, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला था गाइस कि पूरा रैंडम प्रोसेस है, ठीक है। आई नो आपका नाम नहीं है उसमें, तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो यार। इस वीडियो में भी ना मैं ये सैंडल्स को अनबॉक्स करने के बाद गिव अवे करने वाला हूं, ठीक है। भाई तीन सैंडल को अनबॉक्स कर रहा हूं इस वीडियो में, तो क्यों टेंशन ले रहे हो यार। उसमें से दो सैंडल है ना मैं आप लोगों को गिव अवे करने वाला हूं, मतलब आप लोगों के मजे यार, मजे ही है ना मेरे भाई, के रंजीत अपने चैनल पे ना हमेशा आपको कुछ ना कुछ दे रहा है, ठीक है। इसी तरीके से गाइस, मेरे गिवअवे के क्वेश्चन में आप पार्टिसिपेट करो और अपने चांसेस बढ़ाओ जीतने के। सिलेक्शन प्रोसेस एकदम रैंडम है भाई। इस वीडियो में जो गिवअवे का क्वेश्चन है गाइस, मैं आपको आगे शेयर करूंगा, ठीक है। तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, वरना आप क्वेश्चन मिस कर दोगे तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे यार। कमिंग बैक टू अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू गाइस, आज जो मैं अनबॉक्स और रिव्यू करने वाला हूं भाई, आज मैं सैंडल को अनबॉक्स और रिव्यू करने वाला हूं, ठीक है। फ्यूल फ्यूल फ्यूल, आई नो गाइस आप ये सोच रहे हो भाई ये फ्यूल 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 क्यों कर रहा है भाई। भाई एक्चुअली आज जो मैं अनबॉक्सिंग रिव्यू करने वाला हूं, उस ब्रांड का नाम है फ्यूल। फ्यूल गाइस ये एक्सो फुटवेयर कंपनी का ब्रांड है, और भाई एक्सो फुटवेयर है ना, ये इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग फुटवेयर मैन्युफैक्चरर है। आई नो आपको नहीं पता था, मैंने बता दिया ना आपको, कैप्टन ब्रूनो और सोल्जर, ये तीन सैंडल आर्टिकल है फ्यूल ब्रांड के, जिनमें से दो की एमआरपी 699 की और एक की एमआरपी 999 की है। अब तक फ्यूल ब्रांड के गाइस ने एक भी फुटवेयर को अपने चैनल पे रिव्यू नहीं किया था, और जब ऑनलाइन स्टोर्स पे गाइस इस ब्रांड के जब मैंने फुटवेयर देखे ना भाई, तो मैंने सोचा भाई देखो बारिश आने वाले, तो सैंडल वैंडल मंगाते इस ब्रांड को और देखते भाई के सैंडल की क्वालिटी कैसी है। तो आओ फटाफट इसको अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे, देखेंगे क्या ये सैंडल अपने 699 और 999 के एमआरपी के जस्टिफाइड प्रोडक्ट है कि नहीं, ठीक है। आ जाओ गाइस, निकालने के बाद जब मैंने हाथ में ले, तो क्या वो क्वालिटी, मतलब बोलते ना ये हाथ, जो ये हाथ है ना ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे भाई, ठाकुर तो छोड़ दे अपनी जगह पे ठाकुर, लेकिन रंजीत क्या है तेरे हाथ में, अगर तुझे फील ले रहा तो क्या ये अपने को प्रीमियमनेस फील हो रहा है क्या, तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, यस। नेक्स्ट इज ब्रांडिंग की बात करें गाइस, तो ब्रांडिंग यहाँ पे मिल जाएगी और इसमें यहाँ पे मिल जाएगी, सोल पे इनकी ब्रांडिंग नहीं है, ठीक है। लुक वाइज अगर बात करूं गाइस, तो बहुत ही ज्यादा डिसेंट लुक लगा यार, मतलब सर एक ही दफा देखने में तो लगा हाँ भाई चल ठीक है सैंडल ले लेते हैं। मतलब गाइस 2003 की कंपनी है यार, तो अपन सोच सकते हैं यार ये कंपनी का फुटवेयर एक्सपीरियंस क्या है। एक्सपीरियंस डेफिनेटली इनकी प्रोडक्ट्स अपने को दिखता है भाई, कि कितने साफ सुथरे प्रोडक्ट्स ये लोग बना रहे, विच गिव राइज टू फिनिशिंग पॉइंट गाइस। अगर मैं तीनों सैंडल की फिनिशिंग अगर देखूं ना भाई, मैंने पर्सनली काफी एकदम बोलते ना वो ऐसा ऐसा देखा मैंने उसको भाई, तो फिनिशिंग वाइज काफी ज्यादा अच्छे लगे यार। जबकि मैंने इंडिया के और भी दूसरे लीडिंग ब्रांड्स के मैंने जब फुटवेयर प्रोडक्ट्स में देखता हूं ना भाई, तो इतनी फिनिशिंग उसमें भी डेफिनेटली नहीं देखने मिलती, और मैं हमेशा अपने वीडियो में शिकायत भी करता हूं उस चीज की, ठीक है। बट इन केस ऑफ फ्यूल ब्रांड गाइस फिनिशिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी। नेक्स्ट गाइस सोल वगैरह की बात करूं इन सैंडल्स की गाइस, तो इसमें अपने को बेसिकली है ना फालोन कॉन्सेप्ट्स के सोल मिल जाते हैं, ठीक है। अभी नीचे की तरफ अपने को टीपीआर मिल जाता है, मतलब गाइस ये कंपनी 2003 से अगर काम करे ना भाई, तो वो डेफिनेटली इनके प्रोडक्ट में वो क्लैरिटी दिख रही है। मतलब गाइस जो क्लैरिटी इनके सोल में ना गाइस, वो काफी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर है। एक जनरली ऐसा होता है, क्या होता है पता है, कि हम फुटवेयर वाले जब फुटवेयर को हाथ में लेते ना भाई, तो अपने को डेफिनेटली काफी ज्यादा फील हो जाता है यार, कि उसमें मटेरियल मतलब वो क्वालिटी कैसी है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट गाइस अगर मैं एडजस्टेबल की बात करूं, गाइस आप पैड डालने की बात अपन है ना, ये दो सैंडल में तो अपने को पीछे की तरफ से एडजस्टेबल भी मिल जाता है, ठीक है। एंड रही बात की सोल्जर आर्टिकल जो है ना, इसमें अपने को कुछ अलग चीज देखने मिलती है गाइस, यहां पे आप देखेंगे ना इलास्टिक वगैरह यूज किया दोनों की तरफ, ठीक है। इलास्टिक से डेफिनेटली बात है आपका पैर वो काफी ज्यादा ऐसा पकड़ के रखने वाला है, ठीक है। और उसके अलावा गाइस ये जो दिया है ना आप, इसको भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जितना भी टाइट करेंगे तो मतलब ऐसा नहीं कि खाली वो इलास्टिक पे ही डिपेंड है इसकी फिटिंग गाइस, ये डेफिनेटली बात है इस पे भी इसकी फिटिंग डिपेंड है, ठीक है। तो आपको जितना टाइट चाहिए आप उतना उसको टाइट कर सकते हो। अब नेक्स्ट जैसे अगर मैं फिटिंग वगैरह की बात करूं गाइस, तो फिटिंग वगैरह देखो, मैं तीनों आर्टिकल मैंने UK 8 मंगाए थे, ठीक है। मेरे हिसाब से गाइस तो फिटिंग में काफी ज्यादा खरे होते थे तीनों आर्टिकल, ठीक है। कंफर्ट की बात करूं गाइस, तो डेफिनेटली बात है जब पैर डाला उसमें जब फील किया ना भाई, तो पैर एकदम रिलैक्स एकदम अंदर गया, ठीक है। तो पैर में कभी भी ये नहीं लगा भाई कि भाई ये यहाँ से लग रहा है या फिर ये यहाँ से लग रहा है, ठीक है। उसके अलावा गाइस अगर इस शूज में अगर ईवा बॉटम की बात करो ना भाई, जहाँ पे आपके पैर ये पड़ने वाले, ठीक है, यहाँ पे तो भाई उसमें भी काफी अच्छा टेक्सचर दिया हुआ, यू कैन चेकआउट ये दो में, तो यू कैन फाइंड आउट गाइस यहाँ पे डॉटेड डॉटेड वाला टेक्सचर दिया हुआ है, ठीक है। और एक पे थोड़ी अलग तरीके से टेक्सचर दिया गाइस, तो ये सभी हेल्प करने वाली है कि आप जब पैर डालोगे ना, तो आपका पैर डेफिनेटली वो यहाँ माने जाएगा एकदम इंटैक्ट बॉटम को पकड़ के रहेगा, विच डेफिनेटली एनेबल्स गुड ग्रिप इनसाइड दिस सैंडल। वेट वाइज भी बात करूँगा तो काफी ज्यादा
सा रीजनेबल वेट है, ठीक है। अब मैं इसको मेजर नहीं करने वाला हूँ गाइस, काफी ज्यादा रीजनेबल वेट है। इन तीनों सैंडल में से दवाई देखो सभी बहुत अच्छी है, ठीक है। मैं साफ बात करूँ गाइस, मतलब मैं एक वो हाथ में लगाने से फील आ जाता है गाइस, ठीक है। लेकिन गाइस ये जो सोल्जर वाला आर्टिकल जो है ना, ये वाला आर्टिकल गाइस, मेरे को ये 999 की इसकी MRP है, ठीक है। ऑनलाइन स्टोर्स वगैरह पे आप जाओगे ना तो भाई ये काफी ज्यादा अच्छा लगा मेरे को यार। इसको जो अपर की जो ये कलाकारी जो है ना, इसको डिजाइन की काफी ज्यादा अच्छी हुई भी। नेक्स्ट जैसे अपर की बात करूँ तीनों सैंडल की गाइस, वो काफी ज्यादा अच्छे लगे यार। मतलब मेरे को लगा नहीं था भाई कि जो ब्रांड का नाम मैंने कभी नहीं सुना है, अगर उस ब्रांड के अगर मैं कोई प्रोडक्ट मंगाओ या कोई फुटवेयर मंगाओ तो वो इतना अच्छा आता होगा। इससे गाइस ये डेफिनेटली पता चलता है यार कि ऐसे इंडिया में कितने सारे ब्रांड्स हो गए यार जो कि क्वालिटी काफी जबरदस्त बनाता है, बट यार अपने को उनका नाम नहीं पता है। डोंट वरी, आई विल ट्राई कि मैं सबको पकड़ पकड़ के लाओ अपने चैनल पे, ठीक है। इस वीडियो में गाइस गिव अवे का क्वेश्चन ये होने वाला है गाइस, डेफिनेटली बात है तीन सैंडल से दो में गिव अवे करने वाला हूं गाइस। तो उसका क्वेश्चन ये होने वाला है गाइस कि ये बार थोड़ा टफ है, ठीक है। आई नो ये टफ है तो बहुत लोग नहीं करने वाले, आई अंडरस्टैंड दैट, बट जो लोग करेंगे उसमें डेफिनेटली बात बहुत कम लोग करेंगे ना, तो उसमें से विनर डिक्लेयर करने के लिए मेरे को भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये करना है भाई आपको, ये बार ये वीडियो शेयर करनी है। शेयर कहाँ करनी पता है आपको? अपने स्टेटस पे रखना है भाई। कौन से स्टेटस पे? व्हाट्सएप स्टेटस पे रखना है, और मुझे उसका स्क्रीनशॉट आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भेजना है। और आपको पता है गाइस देखो, मैं ईच एंड एवरी कमेंट को रिप्लाई करता हूं, मैं ईच एंड एवरी मेरे जो डीएम्स आते हैं ना मेरे इंस्टा पे, मैं सारों को रिप्लाई करता हूं, ठीक है। जितने लोगों के भी डीएम्स मुझे आएंगे गाइस, मैं उसमें से शॉर्टलिस्ट करूंगा किसी दो जन को और उनको ये मैं सैंडल दे दूंगा, ठीक है। कौन सा दूंगा भाई वो पहले आप मेरे को ये मत बोलना, ये चाहिए, ठीक है। मैं जो भी दूंगा आप ले लेना। और एक चीज लास्ट ऐड कर दूं गाइस कि ये अपने को ऑनलाइन तो मिल ही रहा है गाइस, बट आई जस्ट वांट कि आप ये सैंडल को ना अपने नजदीकी रिटेल स्टोर पे भी जाओ और उसको बोलो भाई कि फ्यूल कंपनी का प्रोडक्ट आपके पास है क्या, मतलब फ्यूल कंपनी के सैंडल्स मेरे को दिखाओ। और अगर आपको फ्यूल कंपनी का नहीं दिखा के अगर कुछ भी आपको दिखा रहा ना भाई, तो उसको बोलो नहीं भाई मेरे को फ्यूल का ही दिखा, मेरे को फ्यूल ब्रांड के सैंडल लेने, क्योंकि मैंने आरपी रिच वे चैनल पे इसका रिव्यू देख लिया। और अगर वो आपको ये बोले ना भाई कि ये कौन सा ब्रांड है, तो उसको भाई क्या करना पड़ता है, मेरा ये वीडियो दिखा देना, उसको बोलना भाई देखो ये ब्रांड है। मतलब रिटेलर गाइस अपने कंफर्ट जोन में बैठा है कि वो खाली स्पार्क्स बेचेगा, कैंपस बेचेगा, या ऐसे जितने भी ब्रांड जैसे वही बचेगा, लेकिन भाई उनको बोलना भाई आप कुछ नया लाओ यार। डेफिनेटली वीडियो शेयर करना गाइस एंड बी अ पार्ट इन दिस गिव अवे। इस तरीके से गाइस मैं अपने चैनल पे फुटवेयर रिव्यू करता हूं गाइस, तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू गाइस।